अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़ पीके में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों हमारा ये नया लुक आप चेक कर रहे हैं। हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ सीरियस किस्म के अपग्रेड्स किए हैं और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर हमारी स्टोरीज पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और इस अपग्रेड पर हम जल्द ही चैनल पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बता सकें क्या हुआ है। लेकिन हमारी आज की वीडियो है पोको X3 GT के बारे में, जिसका मतलब है कि ये वीडियो डेडिकेटेड है गेमर्स, पावर यूजर्स और एंथुजियस्ट के लिए। अगर थोड़ा सा रिकैप कर लें तो शुरू में था पोको F1, जिसे पोको फोन भी कहा जाता था, और उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो फोन मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए कुछ फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स दे रहा था, खासकर उसका प्रोसेसर और उसके इंटरनल्स। और इस चीज़ ने पोको की मार्केट में एक पहचान बना दी कि इनके फ़ोन्स के अंदर हमेशा बहुत ही पावरफुल किस्म के इंटरनल्स दिए जाते हैं, बैटरी और चार्जिंग सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और यही वजह है कि मैं पोको के फ़ोन्स की वीडियोस में हमेशा गेमर्स और पावर यूजर्स को मुतवज्जे करता हूँ। कुछ महीनों पहले इस पोको X3 GT का प्रेडिसेसर यानी कि पोको X3 Pro लॉन्च हुआ था और मेरे ख्याल में वो फोन इस वक्त भी मिड रेंज प्राइस सेगमेंट का बेहतरीन गेमिंग फोन है और ये पोको X3 GT X3 Pro से 3 चीजों में बेहतर है: प्रोसेसर, कैमरा और सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग। साथ में बिल्ड और डिजाइन में भी कुछ फर्क है, उस पर भी हम वीडियो में बात करेंगे। अगर पहले प्राइस की बात कर लें तो पाकिस्तान में पोको X3 GT के 2 वेरियंट लॉन्च हो रहे हैं, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, जो कि 57,999 की स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है। एक्चुअल प्राइस 59,999 है। और इस फोन का एक और भी वेरिएंट है 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज के साथ, और उसकी प्राइस है 65,999 रुपए। अब यहाँ पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस फोन की प्राइस के ऊपर, क्योंकि जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो उसके बाद आप लोगों का बहुत ज्यादा फीडबैक आया कि ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, और मैं भी इससे अग्री करता हूँ इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन इसकी बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से ये इशू सारे इंपोर्टेड फोन्स में हम देख रहे हैं। ये कोई पोको स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये सारे ब्रांड्स के साथ इशू हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया जाए, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स महंगे करने पड़ते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि पोको भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ जाएगा, और जैसा कि हमने देखा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है कंज्यूमर्स का, क्योंकि फोन्स की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो अब इन प्राइसेस को देखते हुए पोको X3 GT का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये फोन अपनी प्राइस जस्टिफाई करता है या नहीं, आइए देखते हैं। तो रिव्यू को शुरू करेंगे बिल्ड और डिजाइन से, और यहां कुछ छोटे अपग्रेड्स दिए गए हैं, जैसे कि आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, जो इस वक्त एंड्रॉइड स्पेस में फ्लैगशिप फोन्स में होता है। ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपके फोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस और ड्रॉप से बचाएगा। फोन है तो अब भी प्लास्टिक का, लेकिन यहां लुक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। जहां पोको X3 Pro की बैक पे बहुत ही बड़ी बड़ी पोको की ब्रांडिंग थी, वहां इस बार स्टाइल को थोड़ा ज्यादा म्यूटेड और सोबर रखा गया है। इनफैक्ट देखने में ये फोन Redmi Note 10 Pro 5G से बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन वो फोन पाकिस्तान में नहीं लॉन्च हुआ था, सिर्फ इंटरनेशनली लॉन्च हुआ था। और ये लुक मुझे काफी पसंद आया है, इवन दो इस फोन की बैक ग्लॉसी है और इस पर फिंगरप्रिंट्स भी दबा के लगेंगे। इसका सटल ग्रेडियंट कलर और बैक पे ये ग्लिटर इफेक्ट दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बैक पे एक कैमरा बम्प भी है और ये कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा है, तो केस बगैर टेबल पे ये फोन थोड़ा बहुत रॉक करेगा। अब ये फोन है थोड़ा चंकी, क्योंकि यहाँ एक बड़ी बैटरी दी गई है, थिकनेस 8.9 mm है, जबकि वजन 193 ग्राम है, जो कि एक बड़ी बैटरी वाले फोन के लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। और अगर इस फोन की थिकनेस को हम X3 Pro से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा स्लिम है, जबकि X3 Pro तो बिल्कुल हाथों में दुक्के जैसा महसूस होता था। यहाँ आपको प्रोफाइल थोड़ा सा पतला दिया गया है, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है। और जहां बात हो रही है हैंड फील की, वहां एक और चीज की बात करना जरूरी है, और वो है हैप्टिक फीडबैक। अब इस प्राइस रेंज के ज्यादातर फोन्स में नॉर्मल किस्म की वाइब्रेशन मोटर्स लगाई जाती हैं, तो जब आप फोन को इस्तेमाल करते हैं आपको वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, लेकिन इस पोको X3 GT में एक एक्स-एक्सिस लिनियर मोटर दी गई है, यानी कि यहां आपको ज्यादा बेहतर हैप्टिक फीडबैक मिलता है, वाइब्रेशन से ज्यादा ये क्लिक्स जैसा महसूस होता है, और यही चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं ज्यादा प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में। तो जब आप पोको X3 GT को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम महसूस होगा। जब आप इसे अनलॉक करेंगे या आप होम बटन पर दबाएंगे तो आपको अपने हाथ में हल्की हल्की क्लिक्स महसूस होंगी, और मुझे ये टच बहुत ही अच्छा लगता है। इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर बटन के अंदर दिया गया है, और ये चीज हम आजकल ज्यादातर मिड रेंज फोन्स में देख रहे हैं। पोको X3 GT में भी इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी है,
बहुत रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर है और फोन को तेज अनलॉक करता है। मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए कोई इश्यूज नहीं हुए। और यहाँ फोन के टॉप पे एक IR ब्लास्टर भी दिया गया है और इसके जरिए आप इस फोन को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने AC TV वगैरह कंट्रोल करने के लिए। और ये फीचर भी एक काफी कन्वीनियंट फीचर है, ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स इस वक्त ये फीचर नहीं ऑफर करते। बाजार तो बहुत छोटी चीज है लेकिन इसका कन्वीनियंस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जहां बात हो रही है एक्स्ट्रा फीचर्स की, वहां एक फीचर इस फोन से मिसिंग भी है और वो है एक हेडफोन जैक। अच्छी बात यह है कि बॉक्स में फोन के साथ ही आपको एक USB Type-C टू हेडफोन जैक कन्वर्टर मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ कहानी तकरीबन पोको X3 Pro जैसी ही है, बस यहाँ डिस्प्ले बाल बराबर ज्यादा बड़ा है। 6.6 इंचेस का IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2400 है। पिक्सल डेंसिटी तकरीबन 400 PPI की है, साथ में HDR10 का सपोर्ट है और डिस्प्ले के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड होल पंच कटआउट भी दिया गया है जिसमें इस फोन का सेल्फी शूटर रहता है। और ये डिस्प्ले भी 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। तो इस हाई रिफ्रेश रेट की वजह से जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारी चीजें एक्स्ट्रा स्मूथ और फ्लूइड महसूस होंगी। और यहाँ अच्छी बात यह है कि स्मार्ट स्विच टेक्नोलॉजी डाली गई है, यानी कि ये फोन डिटेक्ट करता है कि आप कैसे अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उसको हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं होती तो रिफ्रेश रेट को कम कर देता है जिसकी वजह से बैटरी सेव की जा सकती है। लेकिन पोको X3 GT जैसे गेमिंग फोन में एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले सिर्फ विजुअल अपील और फ्लूइडिटी के लिए नहीं होता बल्कि यहाँ इसका एक और भी काम होता है और वो है हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग को पॉसिबल बनाना, जिस पे हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे जहाँ परफॉर्मेंस की बात होगी। लेकिन पहले डिस्प्ले की क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। तो मुझे ठीक लगी, कलर्स बहुत ही पंची हैं, ब्राइटनेस 450 nits के साथ बहुत ही ब्राइट एनवायरमेंट्स के लिए थोड़ी कम है लेकिन ज्यादातर यूसेज सिनेरियोज में मुझे ठीक लगी। अब विजुअल एक्सपीरियंस के साथ अगर ऑडियो एक्सपीरियंस की बात कर लें तो इस फोन में ड्यूअल स्पीकर सेटअप दिया गया है, एक स्पीकर यहाँ ऊपर है जबकि एक नीचे है और इनकी ऑडियो क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई है। प्राइस रेंज को जहन में रखते हुए वॉल्यूम काफी लाउड हो जाता है, आपको थोड़ा लो एंड बेस भी मिलता है। अब चल के बात करते हैं इस फोन के कैमरा गेम की और इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ रखूंगा क्योंकि अमूमन गेमिंग के लिए जो फोन्स डिजाइंड होते हैं वो कैमरा एंथुजियास्ट के लिए ना ही डिजाइंड होते हैं और ना ही उनकी तरफ मार्केटेड होते हैं। लेकिन यहाँ बैक और फ्रंट कैमरास दोनों में कुछ अपग्रेड्स डाले गए हैं और बैक कैमरा में इस बार एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। तो यहाँ पीछे इस ट्रिपल कैमरा सेटअप के अंदर इस बार 64 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 MP का मैक्रो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए इस बार 16 MP का सेल्फी शूटर है। मेन कैमरा 64 MP होने की वजह से इमेजेस में अच्छी डिटेल्स दिखती हैं। ये कैमरा काफी सैचुरेटेड इमेजेस लेता है और यहाँ डायनामिक रेंज भी मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक लगी। अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो 8 MP का रेजोल्यूशन है तो आपको इसकी कम क्वालिटी महसूस होगी और 2 MP का मैक्रो कैमरा का भी रेजोल्यूशन इतना कम है कि आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट किस्म की इमेजेस मिलेंगी। मेरे ख्याल में ये कैमरा ठीक है, इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन से जब मैं कंपेयर करूं तो मुझे डिसेंट लग रहा है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक गेमिंग फोन के अंदर ऐसा कैमरा होना मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है। ये कैमरा आपकी सारी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर देगा, जो नॉर्मल किस्म की पिक्चर्स ले रहे हैं या रैंडमली कैजुअली वीडियोज बना रहे हैं उनके लिए ठीक लगेगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप कैमरा एंथुजियास्ट हैं तो वहां आपको कोई और फोन देखना पड़ेगा। अब चल के बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या करें यार, ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं ताकि आप वीडियो एंड तक देखें। और बाय द वे, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस पर एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और अली भाई की जबानी लाइक्स में कंजूसी ना करें। लेकिन अब हम बात करेंगे इस फोन के इंटरनल्स और इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो ये फोन खरीदने का सोच रहे हैं वो गेमर्स और पावर यूजर्स होंगे। तो पहले नजर दौड़ा लेते हैं स्पेक शीट पे। MediaTek Dimensity 1100 5G चिपसेट है जो कि 6 nm के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। साथ में माली G77 GPU है, 8GB रैम है और 128GB और 256GB बिल्ट इन UFS 3.1 स्टोरेज के ऑप्शंस हैं। बाय द वे, यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, ड्यूअल सिम है, आप इसमें 2 सिम्स डाल सकते हैं लेकिन स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। तो जो स्टोरेज वेरिएंट आप खरीदेंगे वही स्टोरेज वेरिएंट आपका फोन हमेशा के लिए रहेगा। साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और 67 W की सुपर फास्ट चार्जिंग है। अब ये एक ऐसी स्पेक शीट है कि नाम देखे बगैर भी कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये एक गेमिंग फोन है, लेकिन यकीनन आप में से काफी सारे लोग इस चिपसेट के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये Dimensity 1100 चिपसेट MediaTek की प्रीमियम 5G लाइनअप का हिस्सा है। इससे पहले आपने MediaTek की G सीरीज में हीलियो G90T और G95 के बारे में जरूर सुना होगा। वो चिपसेट्स मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट के लिए थे
जबकि ये Dimensity लाइनअप अपर मिड रेंज और प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स के लिए है और ये Dimensity 1100 इस प्रीमियम लाइनअप के टॉप पे आता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये चिपसेट Snapdragon 860 और 865 के बीच में आता है, यानी कि Snapdragon 860 से बेहतर है। ये चीज आप Antutu स्कोर्स में देख सकते हैं और इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेसर एक फ्लैगशिप लेवल या फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ कोर परफॉर्मेंस की नहीं है, क्योंकि ये चिपसेट 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है, जबकि Snapdragon 860, 865 और इवन 870 7 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बेस्ड हैं। छोटे फैब्रिकेशन प्रोसेस का फायदा होता है ज्यादा एफिशिएंसी, जिसका मतलब है कि आपका फोन कम बैटरी कंज्यूम करता है चलते हुए और गर्म भी कम होता है। इसके साथ साथ Poco X3 GT में लिक्विड कूल 2.0 की टेक्नोलॉजी भी डाली गई है, ताकि इस फोन के टेम्परेचर्स को और भी कम रखा जा सके। तो गेमिंग करते हुए, हैवी एप्स चलाते हुए और इवन फोन को चार्ज करते हुए ये फोन ज्यादा गर्म नहीं होता। इसके साथ साथ ये Dimensity 1100 चिपसेट 5G भी सपोर्ट करता है और X3 Pro में कोई 5G नहीं था, और उस लिहाज से ये फोन ज्यादा फ्यूचर प्रूफ भी है। फिर यहाँ 8GB रैम है, तो आप बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्स खुली रख सकेंगे। और इस फोन में UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है, जो कि अगेन फ्लैगशिप फोन्स में होती है, और इसका मतलब है ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स और जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये फोन हैवी एप्स और हैवी गेम्स के लिए डिजाइंड है। और भैया, पोको X3 GT में गेमिंग का सीन ऑन है। PUBG इस फोन पे हाई सेटिंग्स पे चलती है और फ्रेम रेट्स भी 55-60 फ्रेम्स पर सेकंड के बीच आराम से रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब तक Dimensity वाले फोन्स के लिए UHD गेमिंग का ऑप्शन नहीं है, मेरा ख्याल है जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको USD गेमिंग से कोई गर्ज नहीं है, तो ये फोन PUBG HD सेटिंग्स पे बहुत ही स्मूथली चलाता है। फिर डिस्प्ले की बात करते हुए, मैंने आपसे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बात की थी, तो Poco X3 GT बहुत सारी 120 फ्रेम्स पर सेकंड वाली गेम्स भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, एडिटिंग करते हुए मुझे ख्याल आया कि ये बात आपको बताना जरूरी है कि इस वक्त कुछ 120 FPS की गेम्स Dimensity 1100 पे सपोर्टेड नहीं है, तो ये बात आप जहन में रखिएगा और ये फोन खरीदने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। Back to the video. इसके साथ साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि हैवी गेमिंग और हैवी फोन यूसेज के लिए अच्छी साइज है। ज्यादातर लोगों का फुल चार्ज पे एक दिन तो आराम से निकलेगा, लाइट यूसेज में डेढ़ दिन भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ इस फोन का एक गेम चेंजिंग फीचर आता है, और वो है इसकी 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और ये सिर्फ फास्ट चार्जिंग नहीं है, ना ही ये सुपर फास्ट चार्जिंग है, ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग है। इनफैक्ट ये फोन वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन्स हैं जो आज तक मैंने इस चैनल पे कवर किया हो। पोको क्लेम करते हैं 42 मिनट एम्प्टी टू फुल चार्ज, लेकिन ये नंबर अमूमन आइडियल टेस्टिंग एनवायरमेंट्स का होता है और थोड़ी मार्केटिंग के लिए भी होता है। मेरी टेस्टिंग में ये फोन 45-50 मिनट में पूरा चार्ज हो रहा था, जो कि बहुत ही तेज चार्जिंग स्पीड है। 5000 mAh जैसी बड़ी बैटरी को 50 मिनट में पूरा चार्ज कर लेना यकीनन बहुत ही तेज चार्जिंग स्पीड होती है, और मेरे हिसाब से गेमर्स और पावर यूजर्स को ये फीचर बहुत ही पसंद भी आएगा और बहुत ही काम भी आएगा। मेरे ख्याल में Poco X3 GT ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फोन है। इस फोन में सिर्फ दो चीजें मुझे मिसिंग लगी, एक है AMOLED डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, और दूसरा है इसका हेडफोन जैक। मैं नहीं जानता इसको क्यों इस फोन में से निकाला गया है, क्योंकि काफी सारे गेमर्स को हेडफोन जैक अपने गेमिंग हेडसेट्स और लगाने के लिए काफी काम आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां आपको एक कन्वर्टर मिल रहा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में एज अ गेमिंग फोन Poco X3 GT एक बहुत ही सॉलिड डिवाइस है। अब सवाल सिर्फ यह है कि क्या आपको यह फोन Poco X3 Pro के ऊपर जस्टिफाइड लगता है या नहीं। यहां आपको ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एफिशिएंट 5G चिपसेट दिया गया है, साथ में एक ज्यादा बेहतर कैमरा है, ज्यादा तेज सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग है, और बिल्ड और डिजाइन में थोड़े बहुत अपग्रेड्स किए गए हैं, जो कि मुझे Poco X3 Pro से ज्यादा बेहतर लगे। लेकिन आपके इस पे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक देना ना भूलेगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।